बाद में जाके पता चला हो कछुआ ही बढ़िया था, खरगोश तो पागल निकला। भाई रस्ते में स्लश इतना है ना भाई, खच्चर पे बैठने में डर लग रहा है, पैर फिसल रहे हैं उनके बहुत ज्यादा। चल ही रहे थे तो पता चला कि भाई एक बैग ऊपर ही छूट गया, अब वो लेने जा रहा हूँ दोबारा पैरों पे। बैग भी बड़ी भुलक्कड़ है, जहाँ रख दो वहीं भूल जाती है। चल नीचे सो फाइनली गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, केदार वैली। और हम लोग यहाँ पे जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा शाम को ही आ गए थे, और ये जो पीछे देख रहे हो आप, अरे वासुहट, ये पीछे हमारा कैंप था, और वो पीछे जो दो चार भाई लोग खड़े हैं वो भाई हमारे साथ के सारे भाई, सारा हमारा ग्रुप। अभी वो बढ़िया चाय वाय बना रहे हैं और आराम से फिर सब नहा धो के रेडी हैं बस जाने के लिए। अब दर्शन करेंगे, लाइन में लगेंगे, लाइन बहुत लंबी है तो कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे, 2-2.5 घंटे लग सकते हैं आराम से। ओ ये बड़ा जोश में लग रहा है। के खुले भी तो लेने हैं बोले बाबा। अरे यार तेरे को अभी तक नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले। तो बता ठंडे पानी में नहाए? हाँ तो अब ओ ठंडे पानी में भाई आते वक्त रस्ते में अभी अभी ठंडे पानी में भाई बड़ी मुश्किल से ओहो बर्फ जैसा पानी और बाल्टी में भर के ऐसे डाल रहा है, सांग से रुक जा रही है एकदम, ऐसे अकड़ गए भाई ओ वक्त। और उसके बाद तुरंत गर्मी आ गई, बढ़िया मजा आ गया, गर्म चाय पीने का मजा आ रहा है, सारी ठंड भग गई गले को। और वैसे अब इतनी ठंड है भी नहीं, शाम को ज्यादा ठंड थी, अब तो नॉर्मल ऐसी हम टी शर्ट में भी घूम सकते हैं, ऐसी ठंड है। तो अब सबको इकट्ठा करते हैं, हमारा सामान सब कुछ रैप अप हो गया है, तो जिनसे हमने कैंप लिया था उन्हीं के पास अपना सारे बैग वैग सब सबमिट कर देंगे ताकि आराम से फ्रीली जाके दर्शन करें। उसके बाद भोले बाबा के पास जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग भैरव बाबा के पास, और फिर देखेंगे जो दो चार चीज और एक्सप्लोर करने वो करके फिर आज ही नीचे निकलेंगे। आप नीचे देखना है खच्चर से जाए पैदल जाए, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, हमारे पास टाइम की कमी है। पैदल नहीं भाई, हालत खराब होगी भाई, बिल्कुल ऐसी चढ़ाई है भाई रास्ते में, सांस फूल गई ना। तो हम भी तो पैदल आए भाई, ये तो भाई शुरू में चल रहा कछुए की चाल, हमें पता नहीं था, हम पहली बार आए हैं, सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। बाद में जाके पता चला हो कछुआ ही बढ़िया था, खरगोश तो पागल निकला। लेकिन भाई रास्ते में स्लश इतना है ना भाई, खच्चर पे बैठने में डर लग रहा है, पैर फिसल रहे हैं उनके बहुत ज्यादा। बर्फ भी है, बर्फ पिघल रही है तो पानी जा रहा है नीचे, तो भाई अपने बूट बाट पहन कर आना जो भी आए, और आना जरूर केदारनाथ जन्नत है। और ये हम लोगों ने बस अभी मंदिर की साइड जा ही रहे थे, यहाँ से थोड़ा सा दूर था, और हमारा एक प्लेयर घायल हो गया, दिखाओ यार, बेहोश होने वाला था, कह रहा पता नहीं चक्कर आ गए, पानी की कमी होगी, पागल बना रहे कुछ भी नहीं, मोटर में आपके सामने लगे तो अंदर के बैठा था, अभी जाके लेट गया बेड पे। अरे थोड़ा रेस्ट कर रहा था मैं, मैंने कहा आई तो वेट कर रहा था, रेस्ट नहीं कर रहा था ये, पर मैं बता नहीं सकता क्या कर रहा था ये। और यहीं पे फार्मेसी थी तो यहीं पे पट्टी उट्टी करवाई है, चलने की हालत में है, चलने की हालत में ये, उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह पता नहीं क्या क्या बवाल दे दिया, फिर अंगूठा काट दिया। और भाई ये हम लोग पहुंच गए लाइन तक, तो ये पीछे हेलीपैड है, ये हेलीपैड उतरते हैं, अभी हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो हमारी आवाज़ भी नहीं आएगी। और ये हमारे पीछे हमारे दोस्त सारे लाइन में लगे हुए हैं, हेलीपैड से लेकर मंदिर तक की लाइन अभी है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, बेस कैंप पार कर जाती है लाइन भाई। तो भाई फाइनली बाबा ने हमारी सुन ली, हमारे पास भी एक पास था, तो कुछ लोगों को एंट्री मिल गई है, बातचीत हमारी होगी, तो हम ज़्यादा दर्शन करेंगे, बाबा ने बुला लिया अंदर, और बाकी सब पीछे सबको नहीं मिली। हाँ भाई कोई हेलीकॉप्टर से आता है, कोई खच्चर से आता है, कोई पैदल आता है, पर केदारनाथ वही आता है जिसे भोले बाबा बुलाता है। अब बाकी भाई हम में से कुछ 5-6 जने तो अभी दर्शन कर लेंगे, 4-5 जन बच जाएंगे, वो देख रहे हैं लाइन का, उनका भी कुछ हिसाब किताब बनाते हैं, जल्दी दर्शन करके निकले, क्योंकि जल्दी दर्शन हो जाएंगे तो जितने जल्दी दर्शन करेंगे उतना जल्दी निकलेंगे, हमें ऐसे चुपता भी निकलना है ना अभी, तो हम बस प्रसाद लेने जा रहे हैं, बाकी सब आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन, मंदिर से बाहर निकलने के बाद मिलते हैं। तो भाई दर्शन हम सबके हो गए, गुड्डू भाई के भी हो गए, रॉबिन रात को लेट आई, तो भाई हम सबके दर्शन हो गए, बढ़िया एकदम दर्शन हो रहे हैं भाई, सबको मजा आ गया। अब कुछ नहीं, बस फटाफट पीछे भीम चला जाएंगे, उसके बाद जाएंगे ऊपर भैरों पे जो इधर की साइड है, उसके बाद फटाफट से घोड़ों पे बैठ के नीचे जाएंगे। चल ढूंढते चल, और एट लास्ट हम सभी के दर्शन हो गए, और अभी हमें मंदिर के बैक साइड पे, और मंदिर के बैक साइड पे है ये भीमशिला, जो भाई ऊपर बाढ़ के टाइम पे पानी से बह के आया था, तो आप मेरे पीछे देखे होंगे पूरा फॉग से ढक गया है, तो यहाँ से पानी आया था तो उसके साथ ये पत्थर बह के आया था, भीमशिला इसका नाम है, ये यहीं पे रुक गया था, और इसने मंदिर को प्रोटेक्ट करा था बाढ़ से। तो अब सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हम, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे भैरों पे,
क्योंकि भैरव भी अभी नहीं दिख रहा भाई, सब कुछ बादलों में ढक गया। भीमशिला के बाद हमने ऊपर भैरव की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी और रास्ते में मिल गया बढ़िया हमें दाल चावल का भंडारा, तो सब लोग मस्त भंडारा खा के फिर आगे चलेंगे। इससे ज्यादा आपको शाही पनीर मटर पनीर में स्वाद भी आएगा। अच्छा जी चलो भाई ये निपटाते और फिर निकलते हैं। यहाँ हमने किया अपना भंडारा खाना वाना खा के, उसके बाद यहाँ से हमारी भैरव की ट्रैकिंग स्टार्ट बिल्कुल एकदम। भाई वासु की थोड़ी सी हालत खराब हो रही है, कह रहा काफी खड़ी चढ़ाई है यार मुश्किल है। जाते नहीं भाई 20 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर और सही। चल 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 ले बाबा का नाम और चलता रहे। बात पेट भर के दाल चावल और देर को 1000 का खुल्ला भी नहीं मिला। 1000 का खुल्ला भैरव बाबा के यहाँ तो मिला। चलो भाई चलो। और हमारे नागे भैया कितनी बर्फ पड़ रही हो, कितनी ठंड पड़ रही हो, चलेंगे सब जगह स्विमिंग शॉर्ट्स में। बारिश हो रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है अब यहाँ पे। और भाई नज़ारा देखो यार, 2 कदम चले और थक गए। क्या हुआ अब यार भाई, दाल चावल और खराब करवा दिए, दोबारा भूख लगी आई। दोबारा खा लियो और चल तेरे को मैं लेके चलूँ। पर फाइनली वी हैव रीच टू भैरव बाबा टेम्पल। अब यहीं पर शूज़ उतार के फिर अंदर जाएंगे। दर्शन हो गए, खाली पड़ा था एकदम। और भाई एक बात बताऊं कि पूरे केदारनाथ में भीड़ थी, नीचे भीड़ थी, सारे में कहीं पे नेटवर्क नहीं था, और ऊपर 4G 5G सब तरीके के नेटवर्क आ रहा है भाई, एयरटेल जियो सब चल रहा है ऊपर भैरव बाबा पे। और यार मौसम देखो, ये तो दादे फोनों में बैटरी खत्म हो गई सबके फोन, और भाई सबके फोन की बैटरी खत्म, क्योंकि भाई लाइट आनी थी यहाँ पे इतनी डेड फोन। लड़के बड़े दुखी आ रहे हैं अब कोई लोकेशन वीडियो बना रहा है, मैं वीडियो बनाते बनाते बीच में गुप गया, बताओ बड़ी दुख की बात है। मैंने थोड़ा चार्ज करा हुआ है दूसरे को, मेरे वाले में भी बस 40-50% बची है, नीचे जाते जाते वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आज ही हमें चोपता के लिए निकलना है। और भाई मेरे पीछे के नज़ारा देखो यार, बादलों ने घिर रखा है, मैं चारों साइड से अलग ही वाइब्स आ रही हैं यार। अब यहाँ से जल्दी नीचे जाएंगे। तो भाई मैंने बोला था ना, पहाड़ों में कहीं भी जाओ डॉग्स तो मिल ही जाते हैं भाई। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार पहाड़ी कुत्ता। और भाई हमारे केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला, और ठीक भीमशिला के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के ऊपर मूर्ति बनाई हुई है। मतलब बेसिकली जो आपदा आई थी यहाँ पे, जो बाढ़ आई थी, उसमें समाधि तो बह गई थी, तो अब उसी जगह पर ये मूर्ति स्थापित करी गई है आदि गुरु शंकराचार्य जी की, जगत गुरु की। बहुत सुंदर लग रही है यार। तो भाई रेल बनवा दी, अभी भी भैरव का ट्रैक किया था, फिर नीचे आ गए थे, गुरुआचार्य की समाधि भी देख ली थी, बारिश तेज हो गई थी, फिर उसके बाद जब नीचे गौरीकुंड जाने के लिए बस निकल ही रहे थे, तो पता चला कि भाई एक बैग ऊपर ही छूट गया है। अब वो लेने जा रहा हूँ दोबारा भैरव पे। बहुत बारिश भी हो रही है। भैरव बाबा को दूसरी बार अपने पास बुलाना ही था। ये देखो यहाँ पे मेरे पे बैठ के शूज़ पहन रहा था, उसको मैंने बैग दिया था, ये बैग लेके नीचे आ जाइए, और वो बैग यहीं पे छोड़ गया। एक तो ये बैग भी बड़ी भुलक्कड़ है, जहाँ रख दो वहीं भूल जाती है। चल नीचे। ये रहा भाई फाइनली मिल गया, अब इसे लेके नीचे चलते हैं दोबारा। ओह और फटाफट अब तो घोड़ा करके नीचे जाएंगे भाई, लेट हो गए, 3 बज गए हैं, 6-7 बजे तक तो घोड़ा नीचे उतारेगा, तो भाई फटाफट नीचे चलते हैं अब, बहुत भागा दौड़ी होगी पहले। अबे गुड्डू भैया यहाँ पे पैसे गिन रहे हमारे खच्चर लेने के लिए। 1000 का खुला ही मेरे को यही देंगे। बात हो गया मेरी। दिखा 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 दिखा। इसका 1000 ही खत्म नहीं हो रहा पूरे ट्रिप में। 2000 के खुले दे दो इसे। हो गया पैसों का हिसाब किताब। तो भाई यहाँ से अब हमारे आधी टीममेट ने घोड़े कर लिए हैं, और हम तीनों तो पैदल ही जाएंगे, मैं गुड्डू गया और नागी भी गंगे, नागी भी पैदल। नीचे मिलते हैं भाई, नीचे भानु हमारा घायल है। मैं तो भाई घोड़े से जा रहा हूँ। सब निकल गए, वो पीछे वासु भी, वो देखो ले जाएंगे भाई। ओके बाय बाय। चलो भाई हम भी फटाफट नीचे चलते हैं, अब बारिश भी हो रही है, तो कैमरा वैमरा अंदर पैक करके रखना पड़ेगा, तो फटाफट निकलते हैं और नीचे मिलते हैं। हम सोच रहे थे घोड़ा कर लेते, पर हमने कहा यार छोड़ो अब बचाई। ओके गाइस बाय।